हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल फोन का जो लॉक स्क्रीन ऑटो वॉलपेपर सेटिंग होता है वो काम नहीं करता है, जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल करके रखा है इस सेटिंग को और मैं यहाँ से इसे यानी कि ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने स्क्रीन को ऑन करता हूँ तो यहाँ से हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन पर यह सेटिंग अच्छे से वर्क नहीं कर रही, ये सेटिंग काम नहीं कर रही है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और क्या करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल फोन का जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, जैसा यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार मोबाइल फोन के अंदर क्या करना पड़ेगा और इस सेटिंग को कैसे आप यूज कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब यहां पे आपको मैं बताता हूं सबसे पहले सेटिंग के बारे में। सबसे पहले सेटिंग में आपको मैं बताता हूं, जैसे मैं यहां पे करके दिखाता हूं कि आखिरकार ये सेटिंग काम कब नहीं करती है। जैसे मैं यहां पे अपने गैलरी को ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद यहां पे मैं किसी भी वॉलपेपर को अपने लॉक स्क्रीन पर सेट कर देता हूं। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा हमारा यहां पे वॉलपेपर आ गया। अब मैं इसे अपने लॉक स्क्रीन पर सेट कर देता हूं। जैसे मैं यहां पे इसे लॉक स्क्रीन पर अप्लाई करके और लॉक स्क्रीन पर मैंने सेट कर दिया है। जैसे हमारा ये वॉलपेपर सेट हो गया है, अब दोस्तों क्या होगा कि यहां पे आपका ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज नहीं होता है। जैसे तो आपको मैं दिखाता हूं, यहां पे हमने लॉक स्क्रीन को लॉक किया, यानी कि अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन को लॉक किया और यहां से मैं फिर से ऑफ करता हूं, ऑन करता हूं, यहां पे आपका वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या, अपने सेटिंग में जाना है, उसी सेटिंग को ऑन करना है। जैसे मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहां पे लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कर देते हो उसके बाद नीचे आना, यहां पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर क्रोसेल सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां सेटिंग आपकी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। आपको इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। सबसे पहले आपको इस सेटिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अपने मोबाइल फोन को लॉक करना है। लॉक करने के बाद फिर भी अगर आपका यहाँ पे वॉलपेपर चेंज नहीं होता है, जैसे हमारा तो यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉक स्क्रीन को लॉक किया, फिर से मैंने यहाँ पे ऑन किया, हमारा वॉलपेपर स्टार्ट हो चुका है। अगर यहां पे आपका वॉलपेपर स्टार्ट नहीं होता है चेंज होना, तो आपको यहां पे करना क्या है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मैं यहां पे फिर से अपने मोबाइल फोन के अंदर वॉलपेपर सेटिंग को यानी कि वॉलपेपर मैं यहां से ऐड कर लेता हूं। जैसे फिर से मैं इसे अप्लाई कर लेता हूं। अप्लाई करने के बाद आपको यहां पे करना क्या है, जैसे यहां पे अब आपका यहां पे वॉलपेपर तो चेंज नहीं होगा, जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं यहां पे आपका वॉलपेपर चेंज नहीं होगा, तो अब आपको यहां पे करना क्या है, वॉलपेपर को चेंज करने के लिए यहीं पे यानी कि अपने मोबाइल फोन का लॉक नहीं ओपन करना है, यहीं पे देखने को मिलेगा इस तरह का आइकन, आपको यहां पे करना क्या है, अपने लॉक स्क्रीन पर आपको इस लंग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी टर्न ऑन एक सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहां से आपको इनेबल कर देना है कि अपने लॉक डालना अपने फोन के स्क्रीन का और यहां से आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इस सेटिंग को यहां से ऑन कर देते हो तो यहां पे आपका ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने मोबाइल फोन को लॉक करता हूं, लॉक करने के बाद फिर से मैं इसे इनेबल करता हूं यानी कि ओपन करता हूं, तो यहां पे हमारा वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर भी अभी भी अगर आपका मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग चेक करना है, कहीं आपने अपने मोबाइल फोन का थीम्स तो नहीं चेंज कर दिया है। जैसे तो आप लोग यहाँ पे थीम्स चेंज कर देते हो, एप्स का आइकन कुछ दूसरे तरह का देखने को मिल जाता है, ओप्पो का आइकन देखने को मिल जाता है, वीवो का आइकन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आईफोन का आइकन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर थीम्स को चेंज करके रखा है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना क्लासिक थीम्स यहां पे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वही एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहां से देखने को मिलेगा थीम्स, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सारे के सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं, जितने थीम्स आप डाउनलोड करके रखोगे। उसके बाद यहां पे आपको क्लासिक थीम्स आपको चेंज कर लेना, यानी कि चूज करना है। जैसे आप क्लासिक थीम पे क्लिक करोगे यहां से आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे यहां पे देखने को मिलेगा अप्लाई, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां से ये क्लासिक थीम अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे ऑटोमेटिक आपका यहां पे लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसे कट कर देता हूं। कट करने के बाद अब आपको यहां पे करना क्या है, यहां पे मैंने यहां पे क्लासिक वॉलपेपर यानी कि क्लासिक थीम्स मैंने यहां पे ऐड कर लिया, यानी कि सेट कर लिया हूं। यहां पे आपको करना क्या है, लॉक स्क्रीन को लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका यहां पे वॉलपेपर, अब यहां पे आपका वॉलपेपर चेंज होता रहेगा, जैसा यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे दोस्तों अपने मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर चेंज नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा। वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।